एक बार मेरे साथ बोलिए, हर हर नर्मदे, जय बड़ा देव जी, जय सेवा और जय जौहर। ये महाकौशल की भूमि है, आदिवासी संस्कृति, आप सबकी संस्कृति का ये आंगन है। इस धरती को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। क्रांति दूत शंकर शाह जी, श्री रघुनाथ शाह जी, श्री हृदय शाह जी, श्री दलपत शाह जी, श्री टंटिया मामा जी, रानी दुर्गावती जी, रानी अहिल्याबाई जी, अवंतीबाई लोधी जी और रानी फूलकुंवर जी को मेरा नमन। ये एक ऐसी धरती है जहां इतने सारे वीर, इतने सारे महापुरुष रहे हैं। यहां आपकी एक बहुत खास संस्कृति है। आते वक्त मैं सोच रही थी, कितनी सुंदर, प्राचीन और अनूठी संस्कृति है आपकी। मुझे याद है मेरी दादी जी इंदिरा जी कहती थी कि दुनिया से सबसे बढ़िया संस्कृति है, क्योंकि इसमें आपको प्रकृति से प्रेम सिखाया जाता है, आपको प्रकृति की सुरक्षा करना सिखाया जाता है, प्रकृति की पूजा करना सिखाया जाता है और प्रकृति पर निर्भर आप एक सादा जीवन जीते हैं, अथक मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, कर्मठता के आपके असूल हैं और पारंपरिक हुनर और कौशल के सहारे आप अपना जीवन चलाते हैं, साथ साथ प्रकृति को आप समृद्ध रखते हैं और मजबूत रखते हैं। देखिए, मैं अभी मणिया चौगान में गई थी, वहां पे मैंने पहली बार देखा ऐसी जगह को और आप सबकी श्रद्धा उस जगह से जुड़ी है, वहां पे आपकी आस्था जुड़ी है, आदिवासी आस्था के गौरव का केंद्र है। मैं वहां गई तो मुझे बताया गया कि जो आपकी पगड़ी है इससे आपका सम्मान जुड़ा हुआ है। मुझे बताया गया कि अगर कोई ऐसी बात होती है, मान लो किसी से ऋण ले लिया, चुका नहीं पा रहे हैं, तो आप पगड़ी रख के जाते हैं। तो ये बात मेरे मन में आई कि जब हम यहां चुनाव के समय आते हैं और हम आप सब से बड़े बड़े वादे करके जाते हैं और कहते हैं कि हम ये करेंगे, घोषणाएं करते हैं, तो एक तरह से हम अपनी पगड़ी आपके सामने रखते हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हम ये नहीं पूरा करेंगे जो हम पाते यहां पे आपके सामने हम कर रहे हैं, तो हमारा सम्मान जाएगा। तो आज इसी भावना से मैं आपके सामने खड़ी हूं। आपने, कई वक्ताओं ने इंदिरा जी की बात की। इंदिरा जी मेरी दादी तो थीं, लेकिन जैसे आपने कहा, आपने उनको इंदिरा माता कहा। शायद जो बुजुर्ग हैं उनको याद भी होगा उनके बारे में। तो आप सब अगर आज यहां मेरी बातों को सुनने आए हैं तो उसमें ये बात भी है कि मैं उनकी पोती हूं, मेरी शक्ल थोड़ी बहुत उनसे मिलती जुलती है, तो मुझे देखने के लिए आप आए हैं, मैं जानती हूं। लेकिन एक बहुत गहरी बात भी है जो सिर्फ मेरी शक्ल, उनकी पोती होने के नाते नहीं है, और वो गहरी बात ये है कि आपको इंदिरा जी में भरोसा था। भरोसा इसलिए था क्योंकि इंदिरा जी ने आपके लिए काम करके दिखाया। आप उनको माता कहते थे तो इसलिए कहते थे कि आपकी श्रद्धा उनसे भी जुड़ी हुई थी। और मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है
एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ी हूं। आपने मेरी दादी जी को माता जी माना और मैं यहाँ खड़े होकर आपके सामने कुछ बातें कर रही हूं, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जो बात कहूं आपसे वो सच बात हो, वो सही बात हो और वो आपके लिए ही बात हो, जो आपको आगे बढ़ा पाए और जो काम इंदिरा जी ने शुरू किया था उसको आगे बढ़ाने वाली बात हो। आपको याद होगा कि इंदिरा जी ने आपको पट्टे दिलवाए थे, याद है कि नहीं? याद है। किस भावना से दिलवाए? इसी भावना से दिलवाए कि ये आपकी जमीन है, ये आपका सम्मान है, ये आपसे जुड़ी हुई बातें हैं और आपको पूरी तरह से की शक्ति आपके हाथों में मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की यही परंपरा रही है, यही असूल रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो संपत्ति है देश की, प्रदेश की, आपके जिले की, ये संपत्ति आपके हाथों में जाए। हम चाहते हैं कि आप मजबूत बने, आपकी शक्ति आपको मिले। और जब आप यहाँ पे चुनाव के बारे में बातें सुनने आते हैं, मेरी भी, अनेक अलग अलग पार्टियों के नेताओं की, तो आप हमेशा एक बात को अपने ध्यान में रखिए कि क्या ये लोग आपकी शक्ति आपके हाथों में देंगे कि नहीं देंगे। अब कांग्रेस की जो परंपरा रही है उसको आप देखिए, आपके लिए वन अधिकार का कानून लाया गया ताकि वन पर सबसे पहले आपका अधिकार बने, क्योंकि यही आपकी मूल संस्कृति रही है और एक तरह से मनुष्यता की मूल संस्कृति रही है, तो इसको बचाने के लिए और मजबूत पर करने के लिए आपको वन का अधिकार दिया गया था। जो भी नेता यहाँ आता है मैं जानती हूँ ये तीन शब्द बोल के जरूर जाता होगा, जल, जंगल और जमीन, है कि नहीं? बोलते हैं ना। लेकिन इसके नीचे क्या अर्थ है इसको समझना बहुत जरूरी है। क्या नेता गहराई से बोल रहा है या आपके सामने एक जुमला बना के छोड़ दिया है? आपको मालूम होगा कि कांग्रेस की सरकार ने आपको ये वन अधिकार दिलाकर जल, जंगल और जमीन पर आपको अपना अधिकार लौटाया। मनरेगा लाए, मनरेगा से ग्रामीण रोजगार बने। जो पलायन की बात कमलनाथ जी ने की, पलायन किस लिए होता है? पलायन इसलिए होता है जब ग्रामीण रोजगार नहीं बनता, जब आपके इलाके में, आपके गांव में, आपके जिले में रोजगार नहीं मिलता, तभी तो बच्चा सोचता है कि घर छोड़ के बड़ी शहर में नौकरी ढूंढेगा क्योंकि यहाँ नहीं मिल रही है। तो मनरेगा किस लिए बनाया गया था? आपको मजबूत बनाने के लिए, ताकि आपको रोजगार गांव में मिले, ताकि आपको पलायन करना नहीं पड़े। आज पलायन बहुत बड़ी समस्या है यहाँ की। भोजन का अधिकार का कानून मिला आपको, इससे आपके बच्चों को जो भोजन का अधिकार है वो दिया गया, कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आपको भोजन मिलना है। पंचायत व्यवस्था को कांग्रेस की सरकारों ने मजबूत किया, जो पैसा पंचायत को आना चाहिए था वो आया, पंचायत में जो निर्णय लेने चाहिए थे कि आपके यहाँ कुछ काम कराना है या कोई समस्या है उसको सुलझाने के लिए, वो पंचायत में ही लिया जाए, ये कांग्रेस की सोच थी। इन सब चीजों से आपके हाथ मजबूत हुए। अब आप अगर देखें तो जितने भी अधिकार कांग्रेस ने आपको दिए और जो जो काम आपकी मजबूती के लिए किए, जब भाजपा आई तो एक एक करके ये अधिकार आपसे छीने गए। आज सरपंचों को कि अधिकार में कटौती है, आप सब जानते होंगे। मनरेगा को लागू ही नहीं किया, पलायन और बढ़ गया है क्योंकि गांव में रोजगार नहीं मिल रहा है, आपकी जमीनें छीनी जा रही हैं, आपको उपज के सही दाम नहीं मिलते, आप विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं तो आपके ऊपर गोलियां बरसाई जाती हैं। वन का अधिकार ही खत्म कर दिया कमलनाथ जी ने, आपको पट्टे दिए थे, आपको याद होगा उस 15 महीनों के सरकार में उन्होंने आपको पट्टे दिलवाए और ये काम भी इन्होंने रोक दिया है भाजपा ने। तो देखिए, आपका जो समाज है, मेरी बहनें बैठी हुई हैं, आपका जो समाज है इसके साथ बहुत अत्याचार हुआ है।
आपने देखे होंगे इतने सारे जो वीडियो वायरल हुए हैं, देश में सबसे प्रदेश में सबसे ज्यादा बच्चियों को यहीं पे मध्य प्रदेश में यहीं पे गायब हो रही हैं, सबसे ज्यादा बच्चियां, 1.5 लाख बच्चियां और महिलाएं गायब हो गई हैं इनके राज में। हर रोज 17 बलात्कार होते हैं, आप सोचिए बहने, हर रोज जब आपकी बच्चियां बाहर निकलती हैं आपको डर लगता होगा कि आएंगी वापस कि नहीं, या कुछ हो तो नहीं जाएगा। ये सरकार चल रही है, उज्जैन की घटना तो आपने देखी ही है, और आदिवासी जनों पर, आप पर जो अत्याचार बरसाए जा रहे हैं उनका अब कोई मुकाबला नहीं है। पूरे देश में मध्य प्रदेश उनमें नंबर वन हो गया है। तो देखिए यहां की जो परिस्थितियां हैं वो मुश्किल होती चली जा रही हैं। आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, आपको वन पर अधिकार नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, तो पलायन तो होगा ही ना। ये देखकर इतना दुख होता है कि ऐसे बड़े बड़े शहीदों की धरती पर यहां से लोग छोड़ के जा रहे हैं रोजगार लेने के लिए, और यहां पर रोजगार आपके लिए पैदा नहीं कर रहे। 18 सालों से भाजपा की सरकार है, रोजगार के मौके नहीं बने, सिर्फ लूट में व्यस्त रहे हैं ये लोग। जिस तरफ आप देखें वहां घोटाला ही घोटाला, और जब चुनाव आता है आपका ध्यान भटकाया जाता है, धर्म की बातें हो जाती हैं और इधर उधर की बातें होती हैं जिससे आपके जज्बात जुड़े होते हैं। तो बहनों आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि इधर उधर की बातों से सिर्फ आपका ध्यान भटकाया जाता है, और सबसे जरूरी बात यह है कि यहां पर महंगाई कैसे कम होगी, आपके लिए रोजगार कैसे बनेगा, आपकी संस्कृति का बचाव कैसे होगा, और आप यहां पर विकास कैसे आएगा ताकि आप यहां पे आगे बढ़ पाएंगे। यहां पे तेंदूपत्ता के बहुत सारे मजदूर हैं, आप जानते ही हैं, मुझसे अच्छी तरह जानते हैं कि कितना शोषण हो रहा है। तेंदूपत्ता चुनने का काम करने वाले भाई बहन दिन भर काम करते हैं, सुबह निकलते हैं, शाम तक सूरज के ढलने तक तेंदुपत्ते को चुनते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, एक एक पत्ती की गड्डी बनाते हैं, फिर उसे ले जाकर बेचते हैं। महिलाएं पत्ता बेचने जाती हैं और देर रात तक नहीं लौटती, लेकिन इन्हें क्या सही दाम मिल रहा है तेंदुपत्ता का, आप बताइए। तेंदुपत्ता बोनस में भी भ्रष्टाचार किया हुआ है, अभी तक नहीं मिला। किस किस को मिला है बोनस, मिलेगा कैसे जब भ्रष्टाचार किया है इसमें, आप सोचिए। हर जगह भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आपकी महिलाएं जाके तेंदुपत्ता रोज उसका काम करती हैं, उसको चुनने का काम करती हैं, सुबह से शाम तक काम करती हैं, रात को घर आती हैं, और बोनस में ये भ्रष्टाचार करते हैं, पैसे ये बनाते हैं, आपको सही दाम नहीं मिलता। आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में 4,000 रुपए मिलता है तेंदुपत्ता का दाम, यहां को धान का बोनस नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां सबसे ज्यादा धान का दाम मिल रहा है पूरे देश भर में, ये काम कर रही है कांग्रेस की सरकार। ये तेंदू पत्ते पर बोनस देने का काम किसने शुरू किया था आपको मालूम है, इंदिरा माता ने किया था शुरू, उन्होंने शुरू किया था। जब वो यहां आई और उन्होंने देखा कि यहां की महिलाएं इतनी मेहनत कर रही हैं, तो उनको लगा कि आपकी मदद होनी चाहिए। आज बोनस का पैसा जैसे आप कह रहे हैं नहीं मिलता है, आपको चप्पल दे रहे हैं, छाते दे रहे हैं, जूते दे रहे हैं, बोनस का पैसा नहीं दे रहे हैं, उसमें कमीशन होगा, ठीक है, सही बात कह रहे हैं आप बिल्कुल, लेकिन आपके सम्मान की क्या बात है, आपके सम्मान की क्या बात है, क्या जूता चप्पल छाते से आपका सम्मान जुड़ा है, आप मेहनत करते हैं, क्या आपको अपनी मेहनत की कमाई नहीं मिलनी चाहिए, क्या आपकी मेहनत में आपका सम्मान नहीं है। तो ये जो है ये सोच है ना, इसी के बारे में आपको बताना चाहती हूं। एक तरफ कांग्रेस की सोच, आपकी सम्मान, आपका सम्मान, आपकी संस्कृति,
आपकी परंपराएं को आगे बढ़ाने वाली सोच। और उसके बारे में मैं और बताऊंगी आपको कि कैसे छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में कैसे कैसे काम हो रहे हैं। और दूसरी तरफ भाजपा की सोच जो है कि जब आप सत्ता में हैं कुछ नहीं करें, जनता को आगे बढ़ाने का काम नहीं करें, भ्रष्टाचार करते जाएं, जहां पे आपको मौका मिला वहां हाथ मार लिया, पैसे लूट लिए, काम नहीं किया। चुनाव आने का समय आया, 18 साल से जो आपने काम नहीं किया वो चुनाव के 18 दिन पहले आप शुरू कर लेते हैं। ये घोषणा करेंगे महिलाओं के लिए, आदिवासी जनों के लिए महिला घोषणा करेंगे, कोई और घोषणा कर देंगे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए। लेकिन जब आप 18 साल से आपकी सरकार है, जब आप सत्ता में हैं और आप थे, तो आपने क्यों नहीं किया ये काम, ये मैं पूछना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप सबका ध्यान इसी तरफ आकर्षित हो। आपको आपके सम्मान की कमाई मिलनी चाहिए। ये जो इन्होंने चप्पल जूते छातों की बात की है ना, इसको बंद कराइए। देखिए, थोक में खरीदते हैं, आपको एक जोड़ी चप्पल पकड़ा देते हैं, आपका कौन सा साइज है नहीं है वो भी नहीं मालूम, ऐसी पकड़ा देते हैं और सोचते हैं कि ये चप्पल, ये जूते, ये छाते आपको पकड़ाने से आप चुप हो जाएंगे और अपना बोनस नहीं मांगेंगे। इतना भी आदर नहीं करते आपकी मेहनत का। ये आपकी मेहनत की कमाई है, आपका अधिकार है, आपको बोनस मिलना चाहिए और आपको तेंदुपत्ता का सही दाम मिलना चाहिए। अब मैंने छत्तीसगढ़ की बात की, मैंने छत्तीसगढ़ की इसलिए बात की, बहनों सुन लो, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। अभी अभी कुछ दिनों पहले मैं बस्तर गई थी, जहां पे आपकी तरह यहाँ की तरह आदिवासी संस्कृति है, आदिवासी बहन भाई भी रहते हैं, तो वहां जो कांग्रेस की सरकार है, सबसे पहले तो आज के दिन तेंदुपत्ता के लिए वहां पे 4,000 रुपए मिल रहे हैं पर बोरा, प्रति बोरा। आदिवासी क्षेत्र को उन्होंने एक ब्रांड बना दिया है, मतलब पूरी दुनिया में जाना जाता है बस्तर की ये आदिवासी क्षेत्र है, एक ब्रांड है। वहां पे बड़े बड़े मिलेट के प्रोडक्शन के प्लांट लगा दिए हैं, ताकि वहां की जो उपज है उसमें से ऐसी ऐसी चीजें बनी जो पूरे दुनिया में, पूरे देश भर में पहुंच सके। वहां कोदा, कुटकी, रागी, ज्वार जो उगता है उसमें से ऐसी ऐसी चीजें बनाई हैं जो दिल्ली की बड़ी बड़ी दुकानों में बिक रही हैं। अच्छा, वहां इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं अपने आदिवासी बहन भाइयों के लिए। वहां की ये नीति है कि आदिवासी पाठशालाएं बनाई हैं जिसमें आपकी संस्कृति सिखाई जाती है। गोठान में रोजगार बनाए हैं, ताकि जो मेरी बहनें हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ जो काम कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में किया। मैं गई थी काम को देखने के लिए, वहां मैं कुछ महिलाओं से मिली, वहां जो स्वयं सेवा समूह है उनके गोठान है, और मैंने पूछा कितना कमा रही हो बहन, पता है क्या जवाब मिला, 1,00,000 से 6,00,000 रुपए बहनें कमा रही हैं गोठान चला के। तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके प्रदेश में भी एक ऐसी सरकार आए जो आपको समझे और ये समझे कि आपकी जरूरतें क्या हैं, गोठान बनाएंगे या इसमें से हम कैसे कैसे काम करा सकते हैं, कहाँ कहाँ रोजगार पैदा हो सकता है बहनों के लिए, भाइयों के लिए, कैसे ऐसे वन के उपज हैं जिनको हम आगे बढ़ा सकते हैं। आपको पता नहीं होगा छत्तीसगढ़ में 60 से ज्यादा वन उपज को समर्थन मूल्य दिया जाता है, मतलब कि उसका दाम आपको मिलता है। यहाँ तो आपको एक तेंदुपत्ता का नहीं मिल रहा है, वहां 67 वन उपज को के लिए आपको सही दाम मिलता है। तो आप सोचिए कि अगर आप सही सरकार चुनते हैं और आप सही पार्टी को वोट देते हैं, जिसके नेता आपको गुमराह करने के लिए काम नहीं करते, आपको आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, तो कितनी तरक्की आ सकती है आपके जीवन में। आप में हुनर है, हमारी बहनें गुलदस्ता बनाती हो, खिलौने बनाते हो, पेंटिंग बनाते हो, मूर्तियां बनाते हो, हुनर है ना, कला है और आपकी अपनी है। अब इसको लेकर अगर देश भर में, दुनिया भर में आप इसको भेज सकते हैं और इसके जरिए आप कमा सकते हैं, तो आपके लिए कितना अच्छा होगा।
और यही काम हमारी सरकारें करके दिखा रही हैं, छत्तीसगढ़ में कर रही हैं, राजस्थान में कर रही हैं। आपका सम्मान देश भर दुनिया भर में फैलता है और बनता है। यहां भी हम चाहते हैं कि अगर सरकार आएगी तो ये एक घोषणा है कि मैं करने जा रही हूं कि तेंदू पत्ता के लिए प्रति बोरा 4,000 रुपए यहां पे भी आपको दिलवाया जाएगा। और जैसे छत्तीसगढ़ में पेशा कानून लागू किया है उस तरह से यहां पे भी पेशा कानून लागू होगा। आपने तो देखा होगा कि आज मध्य प्रदेश में कैसी सरकार चल रही है। मेरे ख्याल से 225 महीनों की सरकार है और 250 घोटाले हैं। 18 साल से सरकार चल रही है, 22,000 घोषणाएं की हैं। मंडला जबलपुर की जो सड़क है 10 साल से बन रही है, 10 साल से। पहले 4 लेन की बन रही थी, अब 2 लेन की बन रही है, लेकिन 10 सालों में बना नहीं पाए। वही मैं कह रही हूं, ढंग से नहीं बनी है। आप आ जाइए ना मंच पे। मुझे बताते रहिए। यहाँ की सड़क की तो ये स्थिति है कि गडकरी जी जो मंत्री हैं, जो सड़क बनवाते हैं, उनको आकर माफी मांगनी पड़ी आपके सामने। ये बात है, आप सोचिए। इतने सारे घोटाले, बच्चों के पोषण में घोटाला, मिड डे मील में घोटाला, सर्व शिक्षा अभियान में घोटाला, स्कॉलरशिप में घोटाला, भर्ती परीक्षाओं में घोटाला, तो बच्चों का भविष्य क्या है? आप बताइए बहन, आप ऐसे कर रही हैं, क्या भविष्य है? आप अपने बच्चों के लिए मेहनत करती हैं कि नहीं? मेहनत करती हैं, मेहनत से उनको, उनका पालन पोषण करती हैं। तमाम दुनिया भर की समस्याएं होती है, लेकिन माँ बाप क्या चाहते हैं कि बच्चों की परवरिश ठीक ढंग से हो, बच्चे आगे बढ़े। लेकिन आपको अंधकार ही अंधकार दिख रहा है। जब आपके स्कूल में पोषण पर घोटाला हो रहा है, जब स्कॉलरशिप पे घोटाला है, जब भर्ती की परीक्षाओं में घोटाला है, तो बेचारा नौजवान करे क्या? स्कूल करता है, पढ़ाई करता है, अच्छे अच्छे अंक भी लाता है, आगे जाकर फीस भरता है, ट्यूशन करेगा, भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी करेगा बेचारा। माँ बाप कभी कभी घर से बाहर भी भेज देते हैं, दूर कहीं पे ट्यूशन सेंटर में, किसी शहर के अंदर की, जा बेटा पढ़ ले, अच्छा भविष्य बनेगा। और फिर क्या होता है, उसमें घोटाला हो जाता है, हर स्तर पर घोटाला। तो बेचारा परीक्षा देता है, परीक्षा में पास भी हो जाता है, लेकिन नियुक्ति नहीं होती, क्योंकि घोटाला हो जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है। तो जब अगली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ भविष्य में दिख नहीं रहा है, उम्मीद ही नहीं रही, तो आगे कैसे बढ़ पाओगे? आपका विकास कैसे हो पाएगा? सबसे बड़ा व्यापम का जो घोटाला हुआ यहाँ, पता नहीं कितने लोग मर गए उसमें, किसी ने इंक्वायरी जांच तक भी नहीं कराई, और वही सरकार चली जा रही है, चली जा रही है। माँ नर्मदा पे घोटाला, महाकाल में घोटाला, मंदिर में जो मूर्तियां लगाई हैं उस पर भी घोटाला। तो थक नहीं गए हो आप? थक गए हो ना? क्योंकि आखिर देखिए, जो नेता होते हैं, राजनीति में आते हैं, किस लिए आते हैं? ज्यादातर तो ये भावना रख के आते हैं कि कुछ सेवा करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, और आपको भी उनसे कुछ उम्मीद रहती है कि ठीक है, ये मेरे गांव का एक नेता है, हमारे मेरे करेगा, है कि नहीं? लेकिन जब आपको दिखता है कि चाहे कुछ भी मंच पे आकर कुछ भी कह रहे हैं, आपको कुछ भी कहानियां सुना रहे हैं, लेकिन सच्चाई इनकी कुछ और है, जब आपको दिख रहा है कि सालों से, 10 सालों से आपकी सड़क नहीं बन पा रही है, जब आपको दिख रहा है कि यहां नर्मदा मैया में घोटाला हो रहा है, आपके बच्चे आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, यहां से पलायन करके चले जा रहे हैं बड़े बड़े शहरों में भटकते हुए नौकरी ढूंढने के लिए, तो क्या आप नहीं सोचते कि बहुत हो गया है, कि अब सरकार बदलने का समय आ गया है? जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको सबक सिखाने का समय आ गया है, और एक ऐसी सरकार लाने का समय आ गया है जो आपके लिए काम करे। मैं तो ये भी नहीं कह रही हूं कि मेरी बातों पर चलो, अपना अनुभव होगा ना आपका। अब आप बताओ, आपके जीवन में तरक्की आई है क्या इन सालों में? जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे उद्योगपति हैं, क्या आपका बिजनेस बढ़ा है?
नहीं बढ़ा। जो किसान बैठे हैं उनकी खेती, क्या उस खेती से उम्मीद रख सकते हैं कि उनको सहायता मिलेगी सरकार की, कि रोजगार बनेंगे और मजबूत, कि कमाई अच्छी होगी? क्या उम्मीद रखते हो आप? और महंगाई कितनी बढ़ी है आप बताओ? महंगाई को कम करने का काम किया है इन्होंने? नहीं किया। आज देखिए क्या कह रहे हैं आपको कि आपको सिलेंडर देंगे 500 रुपए में, कह रहे हैं। अच्छा बहनों, आप में से कितनों के नाम में सिलेंडर है आज? नहीं है ना? परिवार के नाम में होगा सिलेंडर। अब जब आप सिलेंडर लेने जाती हैं तो क्या होता है, आप सोचती हैं कि चलिए अपने नाम में बदलवा दें, क्योंकि उन्होंने कहा है सिर्फ महिलाओं को मिलेगा। आप सोचती हैं कि चलो परिवार का सिलेंडर है, अपने नाम में डलवा दें। और जब डलवाने के लिए जाते हैं तो कितना मांगते हैं आपसे? 4000 रुपए। तो पहले कहते हैं कि आपको मुफ्त में से, मतलब आपको 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं, ठीक है। उनको अच्छी तरह मालूम है कि ज्यादातर परिवारों का सिलेंडर महिलाओं के नाम नहीं है। फिर आप जब बदलने जाते हैं तो आपसे 4000 रुपए मांगते हैं। और इसके ऊपर भी सोचिए, देखिए कांग्रेस की जब सरकार थी आपको 60 रुपए में राशन मिलता था कि नहीं मिलता था? और 425 रुपए में सिलेंडर मिलता था। इसका मतलब है कि 485 रुपए में आपको राशन भी मिल जाता था, सिलेंडर भी मिल जाता था। सच बात है? अब इन्होंने आपसे कहा कि चलो सिलेंडर हम आपको 500 में दे देते हैं, राशन आपको मुफ्त दे रहे हैं, ठीक है। और सिलेंडर आज तक, जब तक इन्होंने 500 की बात की, इतने सालों से इनकी सरकार चल रही थी, तो आपको कितने का मिलता था? 1125 रुपए का। तो हम दे रहे थे आपको 485 रुपए में सिलेंडर और राशन। इनके मुफ्त के राशन के साथ आपको 1125 में सिलेंडर मिल रहा था, तो नुकसान किसका हो रहा था? तो इन्होंने तो मार्केटिंग अच्छी कर ली, अभी भी कर रहे हैं। महिलाओं को 500 में सिलेंडर मिल जाएगा, मुफ्त में आपको राशन मिल रहा है, लेकिन असलियत क्या है इसको पहचानो। नुकसान अभी भी आपका हो रहा है। देखिए आपके बच्चे बीमार पड़ते हैं, दवाई खरीदनी पड़ती है, दुकान जाते हो, महंगी महंगी दवाइयां, मैं दवाई पे GST है। आपके छत में से पानी गिर रहा है, छत को ठीक करना है, सीमेंट कुछ भी आपको जिस चीज का इस्तेमाल करना होता है वो महंगा हो गया है, उस पे GST है। मेरे किसान भाई बहन, डीजल पे, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उस पे GST है। तो कैसे गुजारा कर रहे हैं? कभी मैं सोचती हूँ मुझे समझ में ही नहीं आ रहा गुजारा कैसे कर पा रहे हो। एक तरफ रोजगार बंद है, बना ही नहीं रहे हैं, जहां से बनते थे बड़े बड़े PSU वो तो सारे इन्होंने अपने बड़े बड़े दोस्तों को बेच दिए। छोटे उद्योगों से रोजगार बनते थे, खेती से बनते थे, सब बंद कर दिया। मनरेगा बंद कर दिया, ग्रामीण रोजगार बंद कर दिया, छोटे छोटे उद्योग दुकानदार इतने त्रस्त और परेशान है, खुद कमा नहीं पा रहे हैं, रोजगार कहाँ देंगे? एक तरफ रोजगार बंद, दूसरी तरफ महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, ऊपर से अत्याचार लादे जा रहे हैं आप पे, तो आप गुजारा कैसे करते हैं? आप सुबह जब उठते हैं तो कैसे सोचते हैं कि चलो एक और दिन हम निकाल लेते हैं, चलते हैं हम तेंदू पत्ते को चुनने के लिए, शायद कुछ कमाई हो जाए? क्या ये सही है जो आपके साथ हो रहा है? क्या ये सही है? जोर से बोलो, सही नहीं है। क्योंकि हम सब जो यहां खड़े हैं आपकी वजह से खड़े हैं। जितने भी नेता हैं हमारी पार्टी के हो, किसी और पार्टी के हो, उनको बनाने वाले आप हैं। आप सत्ता नहीं दोगे ना, आप वोट नहीं दोगे, तो हिम्मत है किसी की इस स्टेज पे आने की, इस मंच पे खड़े होने की? तो शक्ति किसकी है? जोर से बोलो, शक्ति किसकी है? वोट किसका है? तो इस्तेमाल करो इस शक्ति को, आंख मत बंद करो, जागरूक बनो, अपनी शक्ति को समझो, इसे पहचानो। ये जो खेल खेले जाते हैं आपके साथ, इनको देखो
कितने पद खाली हैं सरकार में, आप कहीं भी किसी भी स्तर पर देखिए पद खाली पड़े हैं, लेकिन यहां के नौजवान बेरोजगार हैं। क्यों? पद पड़े हुए पद दो, भरो उनको। नहीं, आप भर्ती के घोटाले करते हैं, भरना नहीं चाहते। आप स्वास्थ्य के की व्यवस्था में देखिए, 70,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था में हर स्तर पर 90% से ज्यादा पद खाली हैं। ये मंडला में आपका अस्पताल नहीं है आज तक, 18 सालों से सरकार है, आपको दूर दूर जाना पड़ता है जब आप बीमार पड़ते हैं। क्यों? ये सरकार तो आपने बनाई है, जैसे मैंने कहा सत्ता आपने दी है, वोट आपका था, तो अब जिम्मेदारी भी तो आपकी बनती है। मैंने कहा मैं इंदिरा जी की पोती हूं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं आपके सामने सच बोलूं, कि मैं जो बातें करूं वो बातें करके भूल ना जाऊं। लेकिन आपकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपके भी पूर्वज इस देश के लिए शहीद हुए। जब मैं यहां आई, जब मैंने अपना भाषण शुरू किया तो कितने नाम लिए, ये किसके पूर्वज थे? आपके पूर्वज। इन्होंने इस देश के लिए, आपकी धरती के लिए लड़ाई की, आजादी की लड़ाई लड़ी, तो उनके प्रति भी आपकी जिम्मेदारी बनती है ना, अपने संस्कृति, अपनी परंपराओं के प्रति। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है कि आप ऐसी सरकार चुने जो आपके देश प्रदेश में विकास लाए और आपके लिए दिन रात काम करे। अगर यहां अस्पताल नहीं है तो इनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी आपके सामने आने की, कि 18 साल से सरकार चला रहे हैं, 10 सालों से सड़क नहीं बना पाए, 18 सालों से यहां अस्पताल नहीं बना पाए। आज पूरे प्रदेश में सीएचसी में एक भी आंख का डॉक्टर नहीं है। जब आंख की बीमारी होती है कहां जाते हो? प्राइवेट में जाना पड़ता है। ठीक है, जाओ प्राइवेट में, लेकिन पैसे ही नहीं कमा रहे हो, कमाने के मौके नहीं मिल रहे हैं, कमाई नहीं हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो कहां प्राइवेट में जाओगे इलाज कराने के लिए? किसी ने सोची है ये बातें? तो ये देखिए, अगर एक सही सरकार होती है, उसकी सही नियत होती है, तो बहुत कुछ हो सकता है। आपने सुना होगा, राजस्थान के किसी भी राजस्थान के वासी से पूछिए, वहां चिरंजीवी योजना है, कांग्रेस की सरकार है। चिरंजीवी योजना में 25 लाख तक आपका इलाज मुफ्त सरकार कराती है। मैं तो हार्ट पेशेंट से मिली हूं वहां, कि उनकी पूरी हार्ट की सर्जरी, दिल की सर्जरी की है, और सरकार ने पूरे पैसे भरे उसके लिए, 15 लाख रुपए। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी ऐसी योजनाएं हैं जिससे इलाज मुफ्त हो रहा है। मैं एक बच्चे से मिली, उसको एक खून की बीमारी थी, उसके पिताजी हाथ जोड़ के कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार ने इसका पूरा इलाज कर दिया है। रोजगार बनाने का काम सरकार की जिम्मेदारी होती है, नौजवानों का जो भविष्य है वो सरकार की जिम्मेदारी है। आपने सुना होगा कि हम बार बार कहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, इससे पता चलेगा कि कितनी कि ओबीसी के कितने लोग हैं, दलित के कितने लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के कितने लोग हैं इस देश में। और आप सोचिए कि भाजपा की जो देश में केंद्र में सरकार है, इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। अरे हम तो यही कह रहे हैं कि गिनती तो करो, हम ये मांग कर रहे हैं कि गिनती करो, हमें बताओ। आप सोचो, आपका बड़ा परिवार है, बड़ा घर है, बड़ा परिवार है, बहुत सारे बच्चे हैं। अगर आपको मालूम ही नहीं कि कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, कितने बच्चे स्कूल जाने लायक हैं, कितने बड़े हैं, छोटे हैं, तो आपको ये जो गिनती है ये करनी जरूरी होती है कि नहीं होती है? कि आप जा रहे हो दुकान, कुछ खरीदना चाहते हो उनके लिए, तो जानना तो जरूरी है ना कि बहुत बड़ा परिवार है भाई, वो चाचा जी के 3 बच्चे हैं और मामा जी के 4 बच्चे हैं, जरूरी है कि नहीं? घर में जरूरी होता है अगर बड़ा परिवार होता है या बड़ा गांव होता है। अब हम कह रहे हैं देश में गिनती करो, हमें बताओ पिछड़ी जाति के कितने हैं, अनुसूचित जाति के कितने हैं, दलित कितने हैं, अनुसूचित जनजाति के कितने हैं, गिनती करो, तभी हमें पता चलेगा कि इनके साथ सही न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि आज न्याय नहीं हो रहा है। बिहार में ये गिनती की गई, जिसे जनगणना कहते हैं,
क्या पता चला? 84% लोग ओबीसी, दलित और अनुसूचित जनजाति के हैं, ये पता चला। अब जब देखा कि पद कितने कितने लोगों के पास है, बड़े बड़े पद, चाहे अधिकारी हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, तो पता चला कि कहीं नहीं है। जिन लोगों की आबादी ज्यादा है उनको पद नहीं मिल रहे हैं, उनको मौके नहीं मिल रहे हैं। तो जब हम कहते हैं कि जाति जनगणना करो, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई गिनती करो ताकि न्याय हो सके, ताकि जितने ओबीसी हैं उनको न्याय मिल सके, जितने अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको न्याय मिल सके। जब हम नौकरियों की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, तो ये सब हो सके। लेकिन ये सरकार इतना भी नहीं करना चाहती, ये इतना भी नहीं करना चाहते। कहते हैं कि हम ये कह रहे हैं क्योंकि हम जनता और समाज को बांटना चाहते हैं, इसलिए। लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम न्याय दिलवाना चाहते हैं, और ये इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये न्याय नहीं दिलवाना चाहते हैं। आज किसान परेशान है, यहाँ के मेरी आदिवासी बहन भाई परेशान है, नौजवान परेशान है, तो आप सोच समझ के अपना वोट डालिए, क्योंकि इस वोट से आपके अगले 5 साल तय होंगे, आपके बच्चों का भविष्य क्या होने वाला है वो तय होगा। 1.5 साल में कांग्रेस पार्टी ने यहां कितने काम किए, 15 महीनों में 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, सामाजिक सुरक्षा का पेंशन 600 रुपए किया, 1 करोड़ परिवारों को 100 रुपए में 100 यूनिट की बिजली दिलवाई, 1,000 गौशालाएं बनाई, 12,000 बर्तन बैंक बनाए, ओबीसी आरक्षण को 14% से 27% तक बढ़ाया। कांग्रेस की सरकार आपके लिए काम करके दिखाती है, आज भी आपके सामने कुछ गारंटी लाई है। इनके बारे में मैं 2 मिनट के लिए आपको बताती हूं, उसके बाद आप जा सकते हैं घर। कष्ट हो रहा है, शायद धूप भी है। देखिए, जैसे किसान को कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था, उसको हम फिर से शुरू करेंगे। तो किसानों का कर्ज माफ करेंगे, 100 रुपए में जैसे 100 यूनिट बिजली आपको पहले दिलवाई थी वो फिर से दिलवाएंगे, 200 यूनिट की बिजली हाफ की जाएगी, बिल हाफ की जाएगी, मतलब उसकी बिल आधी आएगी। पुराना पेंशन लागू होगा। जितने भी अधिकारी हैं, सरकारी जो रोजगार होता है उसका महत्व यही होता है कि जब वो रोजगार मिलता है, वो नौकरी मिलती है, तो हमें लगता है कि चलो ठीक है, रिटायर होने के बाद भी कुछ आते रहेगा, हम सही सलामत सुरक्षित रहेंगे। आज वो भी छीना गया है आपसे। तो जहां जहां कांग्रेस सरकार में है अभी भी ओपीएस लागू है, और हम चाहते हैं कि प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी लागू होगा। गैस के सिलेंडर के लिए जैसे हमने पहले कहा, आपको 500 रुपए में आपको सिलेंडर मिलेगा, महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा, आपके खातों में आएगा बहने, 5 हॉर्स पावर की सिंचाई की बिजली किसानों को मुफ्त मिलेगी, ओबीसी का आरक्षण 27% तक रहेगा, और जाति जनगणना जिसकी बात मैंने की, वो गिनती जिससे आपको आगे जाकर न्याय मिल पाए, वो हम मध्य प्रदेश में करेंगे। जहां भी 50% से अधिक आदिवासी आबादी है वहां 6ठी अनुसूची डाली जाएगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से के खाली पड़े बैकलॉग पदों पर तत्काल उनको भरा जाएगा जो पहले से खाली पड़े हैं। पीएम आवास योजना में जो शहर और देहात में आपको अलग अलग धनराशि मिलती है, तो शहर में आपको अगर घर बनाना हो या कुछ बनाना हो वहां अलग धनराशि, गांव में आपको कम मिलती है, लेकिन सीमेंट, सरिया, बालू का दाम तो गांव में भी उतना होता है, बल्कि गांव में जब आपको ढुलाई करवाना पड़ता है, करवानी पड़ती है, तो आपको दूर जाना पड़ता है, तो एक तरह से आपको और भी दिक्कत होती है।
तो हमने तय किया है कि जो पीएम आवास योजना में जितना शहर में मिलता है उतना ही आपको गांव में धनराशि मिलेगी। देखिए, आपने पिछले चुनाव में, अच्छा एक और घोषणा है जो अभी अभी बताई गई मुझे, इसमें बच्चों की जो शिक्षा है पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक स्कूल की शिक्षा निशुल्क होगी। इस योजना का नाम रखा है पढ़ो और पढ़ाओ योजना। तो ये भी एक और घोषणा है। अब देखिए, पिछले चुनाव में आपने अपना जनादेश दिया, ये जनादेश क्या था? आपने कांग्रेस की सरकार चुनी, इसको धन आदेश के दम पर बदला गया, रिश्वत दी, हमारे विधायकों को खरीद लिया, कुछ लोग छोड़ के चले गए और एक नई सरकार बनी, भाजपा की सरकार बनी। अब आपने 3.5 सालों में इनकी नियत देख ली है। क्या कह रहे हैं? सुनाई नहीं दे रहा ठीक से, मुझे बताएं। हाँ जी, कमलनाथ जी आइए। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार किसानों की हितैषी है। मैं यहां नहीं बोल रहा, पर मैं आपको एक आश्वासन दे सकता हूं कि आप निराश नहीं होंगे। तो देखिए, सीधी सीधी बात है, अपनी सच्चाई को समझो, जो आपकी असलियत है, जो आप जी रहे हो उसको देखो। सुबह से शाम तक काम करते हो, मेहनत करते हो, क्या रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई है, परेशान हो, जीवन में क्या तरक्की आई है, नहीं आई है, इन सबको देखते हुए अपना वोट दो। जो नेता है आपके सामने उसकी नियत समझो, जो पार्टी घोषणा कर रही है उसका रिकॉर्ड देखो। अच्छा, ये घोषणा कर रहे हैं, इनके दूसरे प्रदेशों में देखो क्या हो रहा है। मैं कह रही हूं, अगर यहां पे 4,000 रुपए मिलेगा तेंदुपत्ता के लिए, तो देखो छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। अगर धान की कीमत बढ़ाई जाएगी तो देखो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आज मिल रही है पूरे देश में। तो ये सब बातें देखिए, मेरा मानना है कि जनता से ज्यादा किसी में विवेक नहीं है, मेरा मानना है। और मैं, कोई कुछ भी कह ले, मैं जानती हूं कि आप में विवेक है, सबसे ज्यादा अनुभव है और आप सच्चाई को अच्छी तरह से पहचानते हैं। अगर आज तक मेरी दादी इंदिरा जी को आप याद करते हैं, उनको माता कहते हैं, कि इसलिए क्योंकि आपने सच्चाई को पहचाना, आपने सही नियत को पहचाना, जो आपके लिए दिन रात काम करने के लिए तैयार था उसको आपने देखा, आपने उन्हें आगे बढ़ाया, उन्होंने आपको आगे बढ़ाया। यही रिश्ता होना चाहिए नेता और जनता में, आप में और हम में। तो इसलिए आज यहां खड़े होकर मैं वोट नहीं, आपकी जागरूकता मांगती हूं आपसे, जागरूक बनो। अगर आप जागरूक बनोगे तो खुद समझ में आ जाएगा कि जिस दिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी, उस दिन से आपके लिए काम सही मायने में शुरू होगा और आपकी प्रगति होगी। इसीलिए चुनाव के दिन मेरी बातों को भूलना मत, अच्छी तरह से याद रखना। ये जो घोषणाएं हम कर रहे हैं, ये हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, हमने प्रदेशों में करके दिखाया है। हमारा रिकॉर्ड देखिए, हमारी नियत को पहचानिए और खूब जोर से कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए, भारी से भारी बहुमत से जिताइए, ताकि एक ऐसी सरकार बने जिस पर आपको गर्व हो। अच्छा, यहाँ एक और घोषणा है कि कांग्रेस सरकार में जो ये पढ़ो और पढ़ाओ योजना है, इसके तहत
कक्षा एक से कक्षा आठ तक बच्चों को हर साल 500 रुपए दिए जाएंगे, कक्षा 9 से 10 तक 1000 रुपए दिए जाएंगे हर महीने। तो यहाँ तो हर साल लिखा है, मैं सोच ही रही थी कि भाई क्या हर साल, हर महीने यहाँ लिखा है ये। 500 रुपए हर महीने मिलेंगे, 9 से 10 तक हर बच्चे को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे, और 11 से 12 कक्षा में हर बच्चे को 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। अच्छा एक बार मेरे साथ कहिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद।